Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Komal Sheraz. Today I'm here with another video. आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरे पास मेकअप के क्या प्रोडक्ट्स हैं और मैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी। जैसा कि आपको पता है मैं इस रूम में अपनी YouTube की वीडियो शूट करती हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड होता है मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में। तो मुझे प्रॉब्लम ये फेस हो रही थी कि मेरा कुछ मेकअप का सामान मेरे बेडरूम में था और कुछ इस रूम में था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कभी मुझे कुछ प्रोडक्ट लाना हो तो मुझे फिर उस रूम में जाना पड़ता है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा है कि मैं अपनी वैनिटी सारी यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी ताकि मेरी एक ही रूम में सब चीज़ें होंगी। तो उसके लिए मैंने अभी दराज वगैरह को खाली किया, जो भी इस रूम में सामान पड़ा था वो मैंने निकाला है और अभी कुछ ये इस तरह लग रहा है सब। और जो भी मेरा मेकअप का सामान था वो मैंने अभी फ़िलहाल बेड पे रखा। जैसा आपको पता है क्वारंटीन है तो मेरे पास कुछ चीज़ें मिसिंग थी, पर फिर भी जो भी चीज़ें मेरे पास हैं उन्हीं की हेल्प से मैं सब डेकोर ऑर्गेनाइजेशन करूँगी। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये सब सामान को मैं उस रूम से और इस रूम में जो भी मेरा सामान था वो सब मैंने बाहर निकाला है, मैंने बेड पर रखा है फ़िलहाल। ये मेरे हेयर स्टाइलिंग टूल्स हैं, फाउंडेशन, पैलेट, सब कुछ जो भी है वो ये पड़ा हुआ है। कुछ मेरा स्किन केयर का सामान है और कुछ और फाउंडेशन वगैरह हैं। तो अभी मैं इसको सब ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो अपडेट ये है कि मेरे पास ये एक वॉलपेपर था, ये वुडन स्टाइल में बहुत अच्छा सा, ये मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इसको वॉल के ऊपर इंस्टॉल कर लिया है। इट्स लुकिंग रियली प्रिटी। और अभी मैं ये जो कंसोल टेबल है मेरा, इसको मैं क्लीन करने लगी हूँ। सो वॉलपेपर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तभी थोड़ा बहुत मेस पड़ गया था, तो अभी इसको मैं क्लीन करूँगी, मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करूँगी। फॉर माई फाउंडेशन मेरे पास मैक्स स्टूडियो फिक्स के 3 शेड्स हैं, हुदा ब्यूटी है, निक्स है, टार्ट और कीको मिलानो की मैं एज अ कंसीलर यूज़ करती हूँ फाउंडेशन को, क्योंकि ये 2 in 1 है फाउंडेशन एंड कंसीलर। उसके अलावा ये जो फाउंडेशन थी ये मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इनको मैं निकाल दूँगी और इसको मैं अपने दराज में सेट कर लूँगी। बाद इसके अंदर मैंने अपने मस्काराज ऐड किए हैं। कुछ इसमें बिल्कुल सील्ड हैं, न्यू हैं, क्योंकि मस्काराज जो होते हैं ओपन करने के 6 months बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं वेट करती हूँ कि ख़त्म हो जाएं तो फिर ही मैं जो सील्ड वन है उनको ओपन करूँ। ये भी बीच में न्यू है, तो इसको भी मैं इसके अंदर इस तरह रख दूँगी। ओके, अब इसके अंदर मैंने अपनी सब आई पेंसिल्स, आई लाइनर, डिफरेंट कलर के आई पेंसिल्स में वाइट, ब्लू, इसी के अंदर ये मैंने अभी आई लाइनर्स लिए थे डिफरेंट कलर्स के। इसको एज आई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और ग्लिटर आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके अंदर मैंने अपने फेवरेट न्यूड्स डाले हैं, जिसमें कैट वंडी, हुदा ब्यूटी, निक्स, मेकअप फॉरएवर, टार्ट वगैरह के हैं। और ये सब मैट लिपस्टिक्स हैं, इसको भी मैं दराज के अंदर रख दूँगी। इसके अंदर मैंने पीच और पिंक कलर डाले हैं ज़्यादातर, जिसमें नोट है, विक्टोरिया सीक्रेट का है, स्टेला का है, बेनिफिट का है। ये जो है ये अभी तक न्यू है, ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किए, वाओ का और ये भी स्टेला का है। तो इसको भी मैं इस तरह इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो जितने भी मेरे पैलेट्स हैं, आई शेडो पैलेट्स, कंट्रोल पैलेट और ब्लशर्स वगैरह, उसको मैं इस जो एम्प्टी दराज था उसके अंदर मैं अरेंज कर दूँगी। ओके, फ़िलहाल मैंने आई शेडोज़ वगैरह को ऐसे ही रख लिया। आई नो मुझे एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है, वो फिर मैं बाद में ले लूँगी। और मेरे पास एक क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर मैं अपने जो भी ग्लिटर्स हैं और लेंसेज और जो भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इनमें मैं डाल दूँगी। ओके, जो भी मेरा छोटा छोटा था कंसीलर, ग्लिटर, आईलैश ग्लू, लेंसेज और भी कुछ भी जो भी था छोटा छोटा मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके अंदर मैंने अपने परफ्यूम्स ऐड कर दिए हैं, वहाँ पे मेरे ब्रशेस हो गए हैं। ये मेरी जो डेली ज्वेलरी है, ये वो मेरा ज्वेलरी बॉक्स है। और इसके अंदर मैंने अपनी सब नेल पॉलिशेस रखी हैं। सो ये कुछ लिपस्टिक्स बच गई थी, लिपस्टिक्स एंड ग्लॉस वगैरह वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। और ये वो लिपस्टिक है जो मैंने इस वीडियो में लगाई हुई है, इट्स मैक और इसका शेड है डांस विद मी, और इसको भी मैं अभी इसी दराज में डाल दूँगी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, फाउंडेशंस, मस्काराज, आईलाइनर्स, लिपस्टिक्स, these are my primers, ये highlighters हैं इधर कुछ, और ये मेरे लूज पाउडर्स हैं, कंसीलर्स इधर पड़े हुए हैं, और बस ये वाला कुछ दराज ऐसे लग रहा है। कुछ लिप लाइनर्स और लिपस्टिक्स बच की थी, उनको मैं फ़िलहाल इनमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र था, ये मेरी वैनिटी के नीचे ही है। इसके अंदर मैंने अपने सारे हेयर स्टाइलिंग टूल्स, क्लिप्स, टीजर्स और ये जो है ये सीरम है हेयर का, और हेयर स्प्रेज, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे और ऑयल्स वगैरह जो भी वो मैंने सब इसके अंदर हेयर के रिलेटेड रख दिया है। अब इसके अंदर मैं अपनी स्किन केयर की चीज़ें ऐड करूँगी, और फिर जो कुछ चीज़ें बचेंगी वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ओके, जो मेरी चीज़ें होती हैं डेली स्किन केयर रूटीन की, वो मेरी वॉशरूम में होती हैं। मैं फेस वॉश करके उधर ही अप्लाई कर लेती हूँ सनब्लॉक और मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी है। ये कुछ एक्स्ट्राज हैं जो मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ मेकअप करने से पहले। ये भी एक मॉइस्चराइज़र है, ये ऑर्डिनरी का एक सीरम है। ओके, जो लास्ट राज रह गया था उसके अंदर मैंने अपनी कुछ आई लैशेज़ और स्पॉन्जेस और हेयर पिन्स, फाइलर और जो भी छोटी छोटी चीज़ें मेरी कुछ रह गई थी एक्स्ट्राज, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। So I'm really happy, my vanity is looking so good, and I'm feeling quite tired as well. So this is how I'm gonna end my video today. I hope you guys like this video. I'm quite loving it. मैंने घर में जितनी भी चीज़ें थी उन्हीं से ही सब किया है, and I'm liking it.